भी सकती है। जी हाँ, कड़ी मेहनत और लगन वो गुरु मंत्र है जो किसी को भी सफलता की गारंटी देता है। और जब चाहत प्रशासनिक सेवा के शीर्ष चुनाव की हो तो सभी की चाहत आईएएस बनने की होती है। आज शिक्षक दिवस है और हमारे साथ वो गुरु भी मौजूद हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की है और समाज सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो अगर आप भी आईएएस बनना चाहते हैं तो पूछिए अपने सवाल सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए, जहां आपको जवाब देने के लिए अनुभवी और जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेलो एक्सपर्ट। तो जिन स्टूडेंट्स की चाहत है आईएएस बनने की, जो इस वक्त परीक्षाओं की तैयारी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनके मन में आईएएस बनने की चाहत होती है। क्या करें क्या ना करें, किस तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट के जरिए सफलता के करीब पहुंचे, ये तमाम सवाल उनके जहन में दौड़ते हैं। और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका सबसे पहले परिचय मैं आपसे कराते चलूं। हमारे साथ इस वक्त कंवल तनुज आईएएस जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। विजय कुमार आईआरटीएस हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ अब से कुछ वक्त में डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि सफलता के लिए क्या कोई गुरु मंत्र काम करता है या फिर आपकी खुद की मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी सोच आपको उसके ज्यादा करीब लेकर जाती है। सबसे पहले कंवल तनुज जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, चूंकि आज शिक्षक दिन है, दिन भी खास है और वो तमाम स्टूडेंट्स जो आप सभी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, चाहते हैं आईएएस बनना, सफल होना और प्रशासनिक सेवा के साथ जुड़कर समाज में कुछ बदलाव लाना, तो क्या इस क्षेत्र में सफलता के लिए कोई गुरु मंत्र काम करता है? नमस्कार, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और जितने भी छात्र हम लोगों को सुन रहे हैं, आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि स्पष्ट है कि आपने अपने जीवन की राह चुन ली है तभी आप इस प्रोग्राम में। तो सफलता के मूल मंत्र देखिए वही है जो हम लोग सब बचपन से सुनते आए हैं और हर स्कूल की हर दीवार पर लिखा रहता था कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस और अनुशासन, कंसिस्टेंसी, इसी को थोड़ा सा हम लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे और जैसा कि कार्यक्रम आगे चलेगा, विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर होंगे तो हम लोग ये बताएंगे कि उससे कहीं और कुछ नहीं है। हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है, प्रैक्टिस है, अनुशासन है और थोड़ा सा आईएएस का जो यूपीएससी का सिलेबस है उससे स्पेसिफिक थोड़ा सा उसको उसी सांचे में ढाल लेना है और लक्ष्य बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल विजय कुमार जी, चूंकि जब बच्चा टेंथ पास करता है या टेंथ में अपीयर होता है, उसकी सोच होती है वो अपने अपने आने आने वाले वक्त को किस तरीके से देखता है, वो क्या बनना चाहता है, उसकी चाहत की शुरुआत उस वक्त से ही रूप लेने लगती है। दसवीं से बारहवीं के में सब्जेक्ट्स का चुनाव, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या ध्यान में रखें स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, जिनकी ड्रीम में आईएएस बनना शामिल हो, वो क्या करें? थैंक्स अलॉट बीना जी एंड आपके सभी दर्शकों को थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग अस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स एंड जो भी हमारे गुरु रहे उनको भी और हमारे साथियों को भी। तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद तुरंत ये ऑप्ट कर लेना कि मैं यूपीएससी के लिए ही मतलब प्रिपेयर करूं, ये उतना अच्छा नहीं होता है। आप बिल्कुल फ्री माइंड से आप ग्रेजुएशन करिए और ग्रेजुएशन चूंकि एक बहुत ही एक्सपोजर का 3 साल का पीरियड होता है, उसमें आपके माइंड का बहुत डेवलपमेंट होता है और उस दौरान आप तय करें कि मुझे किस राह पे जाना है। और उसके पहले अगर आपको सपोज दैट कि आप जो है मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप 12th के बाद ऑप्ट कर लेते हैं कि मुझे 12th में ही ऑप्ट कर लेते हैं कि मुझे मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है या आर्ट में ग्रेजुएशन करना है एंड सो ऑन, आप चूज कर लेते हैं और उसी के अनुसार फिर आप मेहनत करना शुरू करते हैं। लेकिन जब बात आती है यूपीएससी की या यूपीएससी जैसे अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, आप ग्रेजुएशन में उसको अगर चूज करें विथ ऑल योर ओपन माइंड तो ज्यादा अच्छा होता है और उसी समय आप अपना ऑप्शनल चूज करें और ग्रेजुएशन अच्छे से करें और तब आप सिविल सर्विसेज में
अपनी किस्मत आजमाएं और मेहनत करें, वो ज्यादा अच्छा होता है कि रादर देन आप हाई स्कूल के बाद और ट्वेल्थ के बाद अपने उस स्कूलिंग को जो है फिल करना शुरू कर देते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो मैं सही नहीं मानता हूँ। और विद्यार्थियों से मेरा सिर्फ एक ही अपील है कि आप अपने हाई स्कूल, ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन पूरा एंजॉय करते हुए विद फुल ऑफ एक्सपोजर के साथ करें, उसके बाद जो है आप कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आगे बढ़ें। बिल्कुल, तो देखिए जो जानकारी इस वक्त सफलता हासिल कर चुके हमारे जो गेस्ट दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत की वर्ड के तौर पर काम आएंगे, आपको इसे ध्यान से सुनना भी है और अपने जीवन में लागू भी करना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए इस वक्त, भगवती शंकर औरंगाबाद से। भगवती शंकर, आप अपना सवाल पूछिए। पहले वहाँ पे उपस्थित चारों गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं और मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ और मेरी एज अभी 29 की हो चुकी है और मैं थोड़ा लेट से इस यूपीएससी के लिए जागा, तो क्या सर हिंदी मीडियम के साथ और कैसे बढ़ा जा सकता है, और मेरे अटेम्प्ट दो ही बचे हैं, मैंने अभी तक यूपीएससी दी नहीं है, तो ऐसा क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूँ जिससे एक निश्चित समय सीमा में मुझे सफलता मिल जाए, और ऑप्शनल विषय का चुनाव कौन सा करूँ ये भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। कमल तनुजी, मैं चाहूंगी कि आप इन्हें सजेस्ट करें, ये एक इस वक्त हिंदी मीडियम तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल उनके जहन में जरूर होता है कि सफलता की गारंटी के लिए हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है, उनके लिए क्या ऐसा किया जाए जो उनकी गारंटी सफलता की तरफ ज्यादा हो जाए। हाँ देखिए, दो तीन प्रश्न उन्होंने पूछे, एक तो माध्यम से संबंधित सवाल है और दूसरा ऑप्शनल क्या चुनना है और दो अटेम्प्ट उनके पास बचे हैं तो ये किस तरह से जाएं। देखिए सबसे पहले तो जितने भी छात्र सुन रहे हैं उनको मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आईएएस की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण आपका निर्णय है कि आप आईएएस की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका कारण दिवाए जो आपकी रीज़न है वो मजबूत है अगर, तो आप आगे बढ़ पाएंगे, थोड़ी असफलता मिलेगी, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, तो अगर आपकी मोटिवेशन बहुत मजबूत है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं तो बीच में हताश होंगे। तो पहले तो ये देखिए कि आप आईएएस की तैयारी करना क्यों चाहते हैं, और वो इतना मजबूत कारण है कि उसके आगे जो बातें अब मैं करूंगा वो सारी चीजें आप समाहित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सब डिपेंड करेगा आपके कारण पे। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि 29 साल की उम्र में आपको ऐसा कौन सा विशेष कारण लग रहा है कि नहीं अब आपको अपने जीवन को ये राह दिखानी है। अगर कोई और रीजन है कि अगल बगल के लोग का हुआ या और कहीं नहीं हुआ इसमें हो जाए, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार अकेले में समय बिता के मजबूती से अपना एनालिसिस करिए, सिलेबस वगैरह देखिए और कारण मजबूत बना लीजिए। अब आते हैं हम लोग माध्यम की तरफ। देखिए आज से कुछ साल पहले स्थिति दूसरी थी, हिंदी माध्यम से सफलता का प्रतिशत कम होने का एक कारण ये माना जाता रहा है कि चाहे गाइडेंस हो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की या सब्जेक्ट के जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो उतना अवेलेबल नहीं था, खासकर से सब्जेक्ट जैसे फिलॉसफी वगैरह, तो उसमें इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल रहा है। लेकिन अब इधर हिंदी के स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल होना शुरू हो गए हैं, और आपका चूंकि हिंदी माध्यम है, माध्यम बदलना तो अब विकल्प आपके पास में है नहीं, माध्यम यही रखना है, इसलिए दिमाग से बिल्कुल भी हटा दीजिए कि हिंदी माध्यम में कहीं भी दिक्कत है। मेरे बैचमेट जो भी यहाँ पे इसी स्टेट में है, डायरेक्टर हैं, वो हिंदी माध्यम से ही क्लियर किया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हिंदी माध्यम से बहुत ब्रिलियंट छात्र बिहार ने दिए हैं। तो आप माध्यम की चीज तो देखिए हटा दीजिए, वो आपके हाथ में अब है नहीं, और आप सिर्फ यही देखिए कि सिलेक्शन हर माध्यम से होता है, हिंदी माध्यम के बहुत सशक्त लड़के सेवा में आए हैं, इसलिए माध्यम पे तो कोई चिंता आपको करनी नहीं है, हर माध्यम का सिलेक्शन होता है। और दूसरी चीज जो आपने कही ऑप्शनल क्या चुना जाए, तो ऑप्शनल में कुछ लोग जो उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है उसको लेना पसंद करते हैं, और कुछ लोग कुछ भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। अगर सिलेक्शन के आप परसेंटेज देखिए तो लगभग 55% 50 से 60 के बीच में एवरेज 55% इंजीनियर्स क्लियर कर रहे हैं, और इन इंजीनियर्स में 80% लोग ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज यानी कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसको लेके क्लियर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह जरूरी भी नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट हो, लेकिन हाँ आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने मन से किया है जैसा कि अभी इसके पहले के गेस्ट ने कहा, तो आपका उसमें अगर रुचि है तो आप वाला सब्जेक्ट लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपकी रुचि किसी और में है
तो आप उसका सिलेबस देखिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है यूपीएससी की, आप उसको अच्छे से समय दीजिए। आपकी तैयारी पहली शुरू हो जाएगी आप सिलेबस देखना जब शुरू करेंगे, और सिलेबस को अच्छे से समय दीजिए, और आपको लगे जिसमें अंदर से आपको बहुत अपील आ रही है उस सब्जेक्ट को आप चुन के आगे बढ़ जाइए। इसमें हिंदी माध्यम का स्टडी मटेरियल जिसमें अवेलेबल है इसको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। और इसके अतिरिक्त अगर बाकी और कोई आपको लगता है कि अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है, तो मैं कहूंगा कि अच्छी गाइडेंस अगर मिल जाएगी तो उसमें आपको और ज्यादा मदद मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास समय कम है, दो अटेम्प्ट आपके बचे हैं, तो आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए होगी जो आपको तराश के और अच्छे से आपको निकाल सके। तो मेरी तरफ से आपको यही सलाह होगी, सबसे पहले तो तय कर लीजिए कि आईएएस क्यों, किसी ने कर लिया, बगल वाले ने कर लिया, इसलिए अब हम कर रहे हैं, तो बात क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, आप प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है, और इस क्लैरिटी से ही आप आगे का रास्ता जो है वो ज्यादा सहजता से तय कर पाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कमल तनुज आपकी तरफ से दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए पटना से, पुष्पेश रंजन। पुष्पेश, क्या जानना चाहते हैं आप? कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है, अभी बिहार सरकार में इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं भी आईएएस करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विजय कुमार, आप इन्हें गाइड करें कि ये हैं तो अभी इस वक्त फिलहाल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आईएएस बनना चाहते हैं, चाहत इनकी आईएएस बनने की है, क्या करें? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप मन बना लिए हैं कि आपको आईएएस बनना है, तो आपको जाहिर सी बात है प्रिपरेशन करना होगा, और उसके लिए आपको जो है पूरे यूपीएससी का जो है सिलेबस जो है सिविल एग्जाम का वो देखना होगा, सिलेबस का जो है थोरो एनालिसिस करिए आप, फिर उसमें देखिए कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन सा ले सकते हैं उसको चूज करिए, और फिर जैसे जैसे प्रिपरेशन का जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है उसको लेते जाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, और फिर आप उस फील्ड में धीरे धीरे अपने आप को एस्टैब्लिश करते जाएंगे। रही बात कि आप बिहार सरकार में अभी वर्किंग है, तो आपके पास जाहिर सी बात है कि टाइम थोड़ा कम मिलेगा, तो ऐसे में आज के डेट में देखिए बहुत सारी रिसोर्सेज ऑनलाइन भी हो चुकी हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे इजिली अवेलेबल है, वहां से आप कोई भी एक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे मतलब गाइडलाइंस वहां पे है, वहां से भी आप देख सकते हैं चीजों को और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि अब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, मेरा प्रिपरेशन इस लेवल का हो गया है कि मैं दो चार महीने का ब्रेक लेकर और एग्जाम लिख सकता हूँ, तब आप प्लान करिए और दो चार छह महीना का ब्रेक लीजिए आप अपने सर्विस से, और ब्रेक लेकर जो है एग्जाम को लिखिए, और आप निश्चित रूप से इसको कर पाएंगे। डिपेंड करता है कि आपके अंदर सिविल सर्विसेज में आने का कितना अर्ज है, कितना स्ट्रांगली आप मोटिवेटेड हैं, इन सारे तमाम फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करता है। बिल्कुल। और कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, जैसे कि कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको स्टार्ट करने के लिए आपको चूंकि स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिलेबस रीड करना चाहिए और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, एक तो जिस तरीके से जानकारी दी जाती है विजय कुमार की तरफ से कि आपके पास समय की उपलब्धता, टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आप क्यों इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और इसे लेकर आपका डेडिकेशन कितना है, आप उसे कितना हार्डली अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं सिकंदर कुमार नालंदा से, आप अपना सवाल पूछिए सिकंदर। मैडम, हम बताना पूछना चाहते हैं कि हम नालंदा का रहने वाले हैं बिहार राज्य में, क्या पटना में ऐसा कोई स्टैटिक जगह है जहां अपने हम फ्यूचर को ब्राइट कर सके आईएएस के रूप में? डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इन्हें जरूर गाइड करें, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो सेंटर प्वाइंट क्या हो, कहां पहुंचे जहां से एग्जैक्ट गाइडेंस मिल पाए, उन्हें बताया जा सके कि क्या बेहतर होगा, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। सिकंदर, आपका क्वेश्चन जो है वो, आप चूंकि नालंदा में हैं और पटना के डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो दिल्ली में जो रिनोन्ड कोचिंग है उसकी भी ब्रांचेज जो है पटना में आ गई है, तो आप स्टार्टिंग जब शुरू करते हैं तो जब कोचिंग में जाते हैं तो एक ग्रुप मिलता है, एक आपको सही गाइडेंस मिलता है,
लेकिन पढ़ना खुद को पड़ता है, तो आप यह प्लान कर सकते हैं कि एक साल तक पटना में रहकर आप अपनी तैयारी को आप एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। साथ ही लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, आपको सेल्फ स्टडी पे ही कंसंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग क्लास से तो आप पास नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो आप देखेंगे कि 5 लाख से ज़्यादा दिल्ली में कैंडिडेट्स हैं जो कि पास हो जाने चाहिए थे। पास वही करता है जिनके अंदर जो है एक जुनून और जिगरा होता है, जो कि काम करना चाहता है कि बिल्कुल मुझे पास करना। जैसा कि कमल अभी बता रहे थे कि आपके पास सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको करना क्यों है। जब वो आपके मन में आ जाता है तो करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और आप दिन रात जो है उसके लिए प्रयास करना शुरू करते हैं। तो पटना में भी कई कोचिंग संस्थान है, लेकिन स्तरीय कोचिंग संस्थान में जरूर नामांकन लें, क्योंकि पटना में भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जो कि आपको हो सकता है कि सही गाइडेंस ना दे और आपको दिग्भ्रमित कर सकता है। तो आप ये देख लें कि जहाँ से रिजल्ट अच्छा हो, जो अच्छे टीचर्स हैं पहले उसको देखें। बेटर यही है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको सही गाइड कर सकते हैं, जो सक्सेस हुए हैं उनसे जरूर आप जो है सो कॉन्टैक्ट में रहें, तो आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे मेरी भी संस्था एक फ्री में चलती है मिशन 50, आप वहाँ पर फ्री में नामांकन करा सकते हैं, जिसमें कि IAS ऑफिसर ही वहाँ जाके क्लास लेते हैं, तो वहाँ भी आप आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जानकारी जिसकी चाहत आप रख रहे थे और आपको सही गाइडेंस के लिए कहाँ जाएं, इस तमाम संशय से जरूर सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राम शंभू पांडे शिमला से। राम शंभू, आप अपना सवाल पूछिए। ऐसा है मैडम ये कि मेरा लड़का इंटर कर रहा है जी, वो IAS बनाने के लिए क्या उसकी प्रोसेस होती है? IAS बनने के लिए क्या करें? बेटे को IAS बनाना चाहते हैं, गार्जियन के तौर पर चाहत इनकी है। कमल तनुज जी, देखिए अमूमन सभी गार्जियन ये चाहते हैं और स्टूडेंट्स की भी चाहत होती है कि IAS वो बन पाते, लेकिन जिसका जिक्र आप बार बार कहते हैं कि क्यों बनना है, कितनी ललक है आपके अंदर IAS बनने की और आप इस फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा से क्यों जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जिसकी वजह से ये राह आसान हो जाए? शंभू जी, सबसे पहले तो आप उसको IAS बनाना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो बनना चाहता है या नहीं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आते हैं अब तकनीकी बात की ओर, तो 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन अगर आपका हो गया है बेटे का, उसके बाद में वो IAS का एग्ज़ाम, UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है, यानी योग्य हो जाता है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको वेट करना होगा, आप अपने बच्चे से डिस्कस कर लें, विमर्श कर लें और ये जानने का प्रयास करें कि उसकी स्वाभाविक क्षमता किस दिशा में है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो उसका किसी विशेष सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसको उस दिशा में ग्रेजुएशन करने के लिए प्रोत्साहन दें, ताकि ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट या GS में काम आ सके। तो आपको विमर्श करना होगा और अपने बच्चे को आप अभी से सिलेबस दिखा दीजिए, उसको ग्रेजुएशन में अगर इंटरेस्ट है IAS में तो ग्रेजुएशन में उस सिलेबस को दिमाग में रखते हुए अपनी पढ़ाई को करना होगा, ताकि वो 3 साल में भी अपने आप को उस दिशा में ढाल सके और 3 साल उसके वेस्ट ना हो ग्रेजुएशन के। तो इस तरह से आप चले सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस उसे दिखा दें, पहले तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अच्छा चुनवा लें और फिर उसके बाद में उसको आप स्वयं निर्णय लेने दें कि वो क्या करना चाहता है। मेरी तरफ से आपको यही सलाह, मेहनत करनी पड़ेगी ये क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगी आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो आप अपना सवाल पूछें। जी सर, गुड आफ्टरनून सर, मेरा ये सवाल है कि मैं अभी सेकेंड ईयर BTech में हूँ और मैं आगे UPSC क्वालिफाई करना चाहती हूँ, तो उसके लिए पहले प्रीलिम्स देना होगा, पर ऑनलाइन रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, तो किस पे बिलीव करें? और यहाँ कोचिंग भी आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, तो ऑफलाइन कोचिंग में जैसे रिसोर्सेस दे देते हैं, तो ऑनलाइन भी कुछ ऐसा रिसोर्सेस होगा, और UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें? बिल्कुल विजय कुमार, मैं चाहूंगी कि आप सौम्या को बताएं, क्योंकि ये महाराष्ट्र में हैं और इन्हें अभी इस वक्त जिस तरीके का पेंडेमिक सिचुएशन है कोरोना को लेकर, उस हालात में तमाम चीजें ऑनलाइन जो है वो चल रही हैं, वैसे में कॉम्पिटिटिव और उसमें भी IAS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो कैसे और कहां से तैयारी की जाए? एग्जैक्टली बीना जी, तो सौम्या जी आप BTech सेकेंड ईयर में हैं और काफी अच्छा टाइम है ये आपको सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। और इसके लिए देखिए सबसे पहले चीज तो वही है कि आप सिलेबस निकाल कर अपने सामने रख लीजिए, उसमें प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का।
तीनों सिलेबस निकालकर अपने सामने रखिए। उसके बाद देखिए कुछ पोर्शन इसमें जो स्टैटिक होता है, कुछ पोर्शन डायनेमिक होता है। स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको स्टैटिक बुक कुछ पढ़नी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम प्रीलिम्स का बात करें तो प्रीलिम्स में आपका जो है जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू जो कि 200-200 नंबर का दोनों होता है। और जीएस पेपर वन में जो आप जानती हैं कि उसमें दो फर्दर कैटेगराइजेशन आप कर सकती हैं, एक है स्टैटिक पोर्शन और एक है डायनेमिक पोर्शन। तो स्टैटिक पोर्शन में जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, वैसे ही इंडियन ज्योग्राफी हो गया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, प्लस आपका जो है इकोनॉमी हो गया, बेसिक ऑफ इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, ये सब बहुत ही स्टैटिक पोर्शन होता है। तो इसके लिए बिल्कुल सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बुक्स भी है और बिल्कुल स्पेसिफिक बुक्स है, आप उसको परचेस कर सकती हैं, वहां से उसको रीड कर सकती हैं। कई बार आप उसको रीड करेंगी तब जाकर उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो है प्रीलिम्स का आप क्वेश्चन पेपर भी देखते रहिए, एक तरफ से आप अपना सिलेबस पूरा करिए, दूसरी तरफ से आप क्वेश्चन पेपर भी देखते रहिए पैरेलली, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या चीज पढ़ना है क्या चीज नहीं पढ़ना है। सिमिलरली जब आप उसके जीएस पेपर वन के डायनेमिक पोर्शन में जब आप आती हैं तो उसमें करंट अफेयर्स इवेंट इशूज बहुत सारे चीज उसमें टॉपिक हैं जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उसको आपको रूबरू होना पड़ेगा चीजों पे। एक जैसे कि एक बिल्कुल जागरूक नागरिक जिस तरीके से रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आज के डेट में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है या अफगानिस्तान में जो इशूज चल रहा है आज के डेट में, या आपको सपोज दैट कि डेल्टा वेरियंट इज अ वेरियंट ऑफ कंसर्न, ये तमाम सारा चीज जो न्यूज में रहता है आखिर क्यों है कैसे है, इसके बारे में एक जो है जागरूक इंसान को कितना जानना चाहिए उतना चीज आपको जानना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट को इसमें आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वैसे ही आप सीसेट के लिए यानी कि जीएस पेपर टू प्रीलिम्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा जो कि एक बेसिक एप्टीट्यूड का पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 33% उसका कट ऑफ होता है, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। सिमिलरली आप मेंस के लिए जब जाएंगे तो मेंस का पूरा सिलेबस जो है ब्रॉडर रूप में डिफाइन किया गया है, उस सिलेबस में आपको कैसे पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आप देखते जाइए और उसी के अनुसार आप पढ़ते जाइए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये टाइम के साथ आपको आएगा। वैसे ही इंटरव्यू के लिए भी आप बिल्कुल मतलब जो प्रीलिम्स और मेंस का जो आपका नॉलेज होगा प्लस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी तब तक मेंस लिखते लिखते, वो इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जब आप मॉक्स वगैरह देंगी कई जगह कई संस्थाओं में, वहां पे आपको फीडबैक मिलेगा और फिर आपका इंटरव्यू वाला भी प्रिपरेशन लगभग ओके हो जाएगा। तो कैसे मतलब आपको स्टार्ट करना है तो बेस्ट आंसर इज टू लुक इनटू द सिलेबस। फॉर एग्जांपल कि अगर हम मुझे कहाँ जाना है तो सबसे पहले तो मुझे एड्रेस पता होना चाहिए ना, अगर एड्रेस मुझे पता है तब मैं पता करूंगा कि किस रास्ते से जाऊं, तो मेरे पास मल्टीपल वेज होगा, तो मल्टीपल वेज में से एक रास्ता मैं चुनूंगा जिसको पकड़ के मैं चलता जाऊंगा और अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। तो इन फॉर ऑल द कैंडिडेट आपको इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना है एग्जाम में। और देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं विजय कुमार की सिलेबस को फॉलो करेंगी आप, अपना डेडिकेशन उसकी तरफ दिखाएंगी, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जैसे ही उस पर बिल्डअप होता है उसके बाद आपके लिए वो तमाम चीजें जो है वो ज्यादा और क्लियर होने लगती है। हमारे साथ जमुई से आदर्श आनंद, उन्होंने अपने सवाल रखे हैं, क्या जानना चाहते हैं जरा सुनते हैं। आदर्श आनंद, मेरा सवाल ये है कि घर पे रह के उस तरह से एकाग्रता पूर्ण कैसे तैयारी किया जा सकता है, क्योंकि घर में थोड़ा सा माहौल का दिक्कत हो जाता है, तो सर से यही सवाल है कि सर कृपया इसके बारे में दिशा निर्देश दिया जाए। डॉक्टर रंजीत कुमार, आप घर पे रहकर माहौल का तैयारी पर फर्क पड़ता है ये सभी मानते हैं, चाहे तैयारी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो, क्या ये बाधक बनती है, क्या वहां पर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं? विभा जी, सभी तो घर पे रह के पढ़ते हैं जो मैक्सिमम लोग, लेकिन घर में जो गांव का माहौल है चूँकि वह जमुई में है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जो है जो आपके सीनियर्स होंगे या फ्रेंड जो पटना में रह रहे होंगे या दिल्ली में रह रहे होंगे उनके कांटेक्ट में रहिए, आप उनसे बातचीत करिए या जो मटेरियल्स है स्टडी मटेरियल्स है उसको मंगवाइए। लेकिन घर पर पढ़ते हुए आपकी एक स्टडी रूम होगी जिसमें कि आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडी के दरमियान आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपको एक गैप भी रखना पड़ता है, ज़रूरी नहीं होता है कि 8 घंटा पढ़ना है तो कंटिन्यू आप पढ़िए,
डेढ़ से दो घंटे का एक गैप बनाइए, डेढ़ से दो घंटे पढ़ाई करिए, 5 मिनट के लिए घर के बाहर आप घूम सकते हैं, उसके बाद वापस आके फिर से पढ़ सकते हैं। ये इस तरह से आप कंटिन्यूटी बना के कर सकते हैं। यह जरूर थोड़ी मुश्किल होती है कि गांव में आपको हो सकता है कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स या दूसरे जो आपको ज़रूरी चीज़ें हैं संसाधन वो नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ वहाँ भी रहते हुए चूँकि आप जानते हैं पूरा डिजिटल वर्ल्ड का समय है जिसमें कि आपको मटेरियल्स वगैरह मिल सकता है, बट हाँ वो आपको फुल डेडिकेशन के साथ आपको स्टडी करनी होगी तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन सक्सेस होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको दूसरे जो आपके फ्रेंड हैं या सीनियर हैं उनके साथ आपको कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको गाइडेंस कुछ भी नहीं मिल पाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपको एक माहौल नहीं है, लेकिन माहौल जो है खुद से आपको तैयार करना पड़ेगा। मेरी राय होगी कि कोई छोटे या बड़े जो आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पटना तक कम से कम आपको आना चाहिए, एक ग्रुप बना के तैयारी करनी होगी, क्योंकि अकेले जो है वो तैयारी करने में आपको एक लंबा समय हो सकता है, आप हो सकता है सक्सेस करें लेकिन आपको 5 साल लग जाए, लेकिन अगर अच्छे माहौल में रहते हैं और जब आपके साथ तैयारी करने वाले एक अच्छे ग्रुप में होते हैं तो सक्सेस आपको 2 साल में मिल सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन अगर नहीं भी आ पाते हैं तो आप अपने सीनियर्स या फ्रेंड के साथ आप कॉन्टैक्ट में रहिए, स्टडी मटेरियल्स लीजिए और आप जिस भी समय आप पढ़ना चाहते हैं, कई लोग जो है प्रीफर करते हैं कि नाइट में पढ़ते हैं, तो नाइट में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आप नाइट में पढ़ सकते हैं मॉर्निंग के 5 बजे तक, फिर आप सो सकते हैं। बट हाँ एग्ज़ाम के दरमियान हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है 1 महीना पहले आपको नाइट जो आप पढ़ते हैं नाइट में उसको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा लेजीनेस आएगी और आपका एग्ज़ाम जो है ख़राब हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गाँव में रहते भी तैयारी स्पेशली BPSC आप कर सकते हैं, बट UPSC के लिए कहीं ना कहीं आपको शहरों की तरफ रुख करना पड़ेगा। आदर्श आनंद, आपने सुना होगा कि डॉक्टर रंजीत क्या गाइड कर रहे हैं और आपको इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं वैशाली से, विवेक कुमार। विवेक आप क्या जानना चाहते हैं? मैम रंजीत सर से मेरा सवाल था जी। सर मैं गांव में रहता हूं वैशाली में, तो मुझे बेहतर तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा सर, क्योंकि मैं लालगंज थोड़ा सा लोकल पड़ जाता है तो पटना नहीं रह सकता ना, इसके लिए गांव में कुछ तैयारियों के लिए सर से मेरा सवाल है कि क्या क्या करना होगा। बिल्कुल, और आपके सवाल से जुड़ा ही इससे पहले के कॉलर का भी सवाल था, मैं चाहूंगी डॉक्टर रंजीत आप इन्हें गाइड करें। विवेक अभी आपने सुना होगा जमुई के एक छात्र है जो क्वेश्चन कर रहे थे और लालगंज से पटना की दूरी अराउंड मेरे ख्याल से जो है वो 25 किलोमीटर के आसपास ही होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं है। आप चाहें तो स्टडी मटेरियल के लिए पटना आ सकते हैं और आप स्टडी मटेरियल ले जा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी है कि मैं फिर से वही रिपीट करूँगा कि एक अच्छी से जो है आप माहौल का होना ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये हो सकता है कि सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, अभी आप देखते हैं व्हाट्सएप पे 8 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं, तो आप इवनिंग के टाइम में एक डिस्कशन रख सकते हैं जिसमें कि आप जो भी प्रिपरेशन दिन भर करते हैं उसकी एक रिवीजन भी हो जाएगी, डिस्कशन रखेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में जा पाएगी। लेकिन हाँ इसके लिए आपको फिर से वही कहूँगा फुल कमिटमेंट होना चाहिए कि आपको करना है तो करने के लिए आपको 100% जो है दिन रात सोते जगते आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे करना है, उसके हिसाब से बेहतर स्टडी मटेरियल जो है आपको पटना से जरूर ले लेना चाहिए और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। पढ़ने का जो तरीका है गांव में जो है उनको मैं बोलूँगा कि आप 3 तरीके से कर सकते हैं, आप स्टडी करिए, थिंकिंग करिए और राइटिंग करिए, यानी कि आप अध्ययन करिए, चिंतन करिए और लेखन करिए। अगर ये तरीके से अगर आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप प्रॉपरली कर पाएंगे। बिल्कुल, तो हमारा सवाल कमल तनुज आपसे है, जो लोग लैंग्वेज पेपर रखकर मेंस देते हैं या देने का काम करते हैं और फिर स्कोर करने के उसके पीछे चांसेस क्या होते हैं? नहीं, लैंग्वेज पेपर तो दो होते हैं जो कंपलसरी मैंडेटरी हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज है एक इंडियन लैंग्वेज है। तो इस प्रश्न क्या है इसको थोड़ा सा क्लियर करना होगा, ये तो मैंडेटरी लैंग्वेज पेपर जिसको कहते हैं वो दो होते हैं, ऑप्शनल पेपर की बात, ऑप्शनल पेपर, यस कमल जी। हाँ देखिए ऑप्शनल पेपर एक जमाने में आज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था जब दो ऑप्शनल्स होते थे, और अभी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शनल पेपर के अलग से मार्क्स होते हैं। तो ऑप्शनल का चयन मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक तो है कि अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सही में आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आपका उसमें इंटरेस्ट है तब तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या सॉल्व हो गई, आपको उसी को पढ़ना है और उसको यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कर लेनी है तो आपका काम आसान हो जाएगा।
दिक्कत क्या है और खासकर से इंजीनियर्स के साथ में, जैसा मैंने कहा कि इंजीनियर्स 80% ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि वो ज्यादातर अपने सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको सही में ईमानदारी से सारे सिलेबस का एक बार एनालिसिस करना होगा, सारे ऑप्शनल्स का, और जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसको आपको पहचानना का जो स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको पहचानना हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कहा जाता है कि ये ऑप्शनल ज्यादा पॉपुलर है, ये ज्यादा पॉपुलर है, तो मैं इसमें एक चीज आपको बताता हूं। आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग जो मेरे पास में एक फिगर है, मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी है, 4,500 से 5,000 लोग जो क्लियर जो मेंस में जिनकी कॉल आती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेते हैं जी। उसके बाद में लगभग 3,500 से 4,000 लोग का एवरेज आता है ज्योग्राफी लेने वालों का, हिस्ट्री लगभग 2,000 प्लस रहती है और आपका ये फिलोसफी वगैरह 1,000 रहता है, सोशियोलॉजी भी 2,000 है। अब इसके हिसाब से अगर आप पॉपुलैरिटी देखें तो भाई एक मापदंड ये हो सकता है कि ये पॉपुलर सब्जेक्ट है, लेकिन फिर आपका इंटरेस्ट क्या, हिस्ट्री वाला भी निकालता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी निकालता है, दोनों फेल होते हैं, तो यहां पे आपकी अपनी सब्जेक्टिव डिसीजन इसमें काम आएगा, तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राजेश कटिहार से। राजेश आप अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल कंवल सर से है। सबसे पहले तो मैं गुड इवनिंग करना चाहता हूँ सर को, क्योंकि उसकी एक कार्यशाली भूमि रही है कटिहार। आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर अभी कर रहे हैं, तो हम यूपीएससी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बेहतर ढंग से, अभी हम पटना में रह रहे हैं। कवल तनुजी जी। राकेश गुड इवनिंग और बहुत शुभकामनाएं, आपने तैयारी शुरू कर दी है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, ये बहुत अच्छे समय पे आपके मस्तिष्क में विचार आया है क्योंकि अभी आप सही में सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी चीज आपने जो बताई, आप पटना में है, तो देखिए अब आपको, आप जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें अपना देख लो आपकी इंटरेस्ट आपका किस तरह का है, और वो आपकी ऑप्शनल की जो लिस्ट है यूपीएससी की सब्जेक्ट की, उसमें वो सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है इसको आप देख लो। अगर वो आता है तो आज से, अभी से ये दिमाग में आप बैठा लो कि आपको अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस के साथ ही आपको यूपीएससी के सिलेबस के सांचे में अपनी तैयारी को ढालना होगा, ताकि जब आप ग्रेजुएशन करो तो ना सिर्फ आप ग्रेजुएट होकर निकलो बल्कि आप यूपीएससी के सांचे में ढल के अपने सब्जेक्ट को बाहर निकाल सको। तो पहले तो सारा सिलेबस अच्छे से देख लो, और एक चीज ध्यान रखना कि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है जानना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिसका जो सब्जेक्ट होता है उसको लगता है कि अब इसमें सारी चीज पढ़ डालो, नहीं, टारगेट है यार, टारगेट है मछली की आंख को देखना, जितना सिलेबस है उसमें सबसे अच्छा काम कर देना है, बाकी रिसर्च नहीं करनी, इसको दिमाग में रख के चलो, और अभी से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखना शुरू कर दो कि जो पढ़ाई कर रहे हो आप उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सही दिशा में तैयारी हो रही है नहीं हो रही है, और उस हिसाब से अपनी 3 साल की प्लानिंग करो। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होगा, ग्रेजुएशन में क्लास जाते होगे, टाइम मैनेजमेंट करना होगा, कब यूपीएससी के लिए समय अलग से देना है, और जैसा रंजीत सर ने बताया आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, और आपको देखना होगा गाइडेंस कहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती, इस तरह से अगर प्लानिंग करके चलोगे और कंसिस्टेंसी रखोगे हार्डवर्क में, तो मैं समझता हूँ आप जरूर अच्छा प्रयास करोगे। बिल्कुल, हमारे साथ नवादा से शिवांजलि ने कुछ सवाल पूछा है। शिवांजलि क्या जानना चाहती है तैयारी को लेकर, शिवांजलि का सवाल। मैं क्लास 12th मैथ से पास की हूँ। मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहती हूँ कि क्या नवादा में रहकर बिना दूसरे शहर जाए हुए यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है। विजय कुमार जी, ये अमूमन ज्यादातर लोगों के सवाल इस तरीके से जुड़े हुए सामने आए हमारे कि वो देहाती इलाकों में हैं, दूर दराज के इलाकों में हैं, लेकिन वो चाहत रखते हैं यूपीएससी क्लियर करने की, वो चाहत रखते हैं आईएएस बनने की, तो फिर क्या गांव में रहकर तैयारी की जा सकती है और बेहतर तरीके से तैयारी के लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, जितने भी बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं उनके मन में ये डाउट हमेशा रहता है, और शायद कहीं इसी वजह से उनकी कॉन्फिडेंस भी थोड़ी कम हो जाती है, ये कुछ बच्चों में होता है। लेकिन मेरा मानना है कि यूपीएससी क्लियर करने वालों में ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफी ऐसे जगह से होते हैं जहां पे रिसोर्सेज बहुत कम होती हैं। अगर आप बात करें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन मेट्रो सिटीज से या इसके जैसे पैरेलल मेट्रो सिटीज से आप देखें तो वहां से कितने बच्चे निकलते हैं, आंकड़ा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत कम बच्चे निकलते हैं, और ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। तो सबसे पहले तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दें
कि मैं ऐसे जगह पे हूँ जहां से नहीं कर सकता। एक समय था जबकि ये सारी चीजें काफी सेंट्रलाइज हुआ करती थी प्रिपरेशन, जो कि इलाहाबाद, दिल्ली और पटना या कुछ ऐसे उच्च शहरों में ही ये संभव होता था। लेकिन आज के डेट में जिस तरह से डिजिटल एरा आया है, उस तरह से हर व्यक्ति को एक मोबाइल की, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक मोबाइल की एक्सेस तो जरूर है, उनके पास लैपटॉप है, उनके पास इंटरनेट है, अगर नहीं है तो उनको ये अरेंज करना पड़ेगा। और जब ये चीजें आपके पास हो जाती हैं तो आपके पास जो क्लासेस आप दिल्ली में चल रही हैं वही क्लासेस आप अपने घर बैठे उसको पा सकते हैं, रियल टाइम में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो न्यूज़पेपर आप पब्लिश हुआ उस न्यूज़पेपर को इमीडिएटली आप भी देख सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आप काफी मतलब इंटीरियर में रहते हैं तो वहां पे जो है न्यूज़पेपर पहुंचने में 2 दिन लगेगा, जैसे कि पहले होता था कि कुछ बच्चे द हिंदू न्यूज़पेपर मंगाते थे दिल्ली एडिशन प्रिंटेड प्रिंट मीडिया वाला, तो वो जो है 2 दिन बाद पहुंचता था, 1 दिन बाद पहुंचता था, तो उनको इन्फॉर्मेशन 1 दिन बाद मिली। लेकिन आज के डेट में तो ऐसा नहीं है, आज के डेट में वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप अगर रूरल एरिया में भी हैं, आप में अगर डिटर्मिनेशन है, कंसिस्टेंसी है, परसिवियरेंस है आपके अंदर, अगर ये इच्छा शक्ति है कि मुझे करना है, तो वहां भी आप एक रूम में बंद होकर चीजों को एनालाइज करके पढ़ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। जैसा कि रंजीत सर ने भी कहा कि आज के डेट में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल फ्री है, स्काइपी पे फ्री है, सामने जब आपके पास मोबाइल है तो डिजिटली प्लेटफॉर्म्स पर जुड़कर आप प्लानिंग के साथ और एक ग्रुप के साथ आप अपनी तैयारी फोकस्ड वे में कर सकते हैं। अब डिस्टेंस को लेकर या फिर दूर दराज को या ग्रामीण पृष्ठभूमि कोई बाधक नहीं है तैयारी को लेकर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के आशिफ पटना से, आशिफ अपना सवाल पूछिए। मैम, आई एम डूइंग बैचलर इन सोशियोलॉजी and the last is my third year. Okay. So my question regarding preparation is how to make notes from newspaper, when to join press release, and what should be the approach of answer writing. Dr. Ranjit. आपका सवाल जो है वो आपके प्रिपरेशन से लेकर है और स्पेशली आपने फोकस किया है कि आंसर राइटिंग, बिल्कुल आपकी आंसर राइटिंग जो है प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप फोकस करके आपने ये स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लेकिन आंसर राइटिंग आप तब शुरू करेंगे जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अदरवाइज जो है आपको आंसर राइटिंग जो है प्रॉपरली आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी चूंकि ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के दरमियान एटलीस्ट जो है 3 से 4 घंटे का समय अलग से निकालिए जिसमें कि आप अपनी तैयारी को शुरू करिए। लैंग्वेज का जहाँ तक सवाल है कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए आंसर राइटिंग में, तो NCERT की जो लैंग्वेज होती है उसी को पकड़ के अपनी जो आंसर राइटिंग छोटे छोटे सेंटेंस में अपना आप आंसर राइटिंग को प्रॉपरली जो है ले जा सकते हैं। बट साथ ही मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी प्रैक्टिस करने के बजाय आप फोकस करिए अपने ग्रेजुएशन पे और साथ ही जो है 2 से 3 घंटा समय दीजिए जिसमें कि NCERT के बुक से स्टार्ट करिए। टेक्स्ट बुक जो है आप सभी जानते हैं, जैसे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत की बुक है, उसके अलावा हिस्ट्री की भी किताब है, बिपिन चंद्रा की किताब, उससे पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जो है रमेश सिंह की बुक्स है, उससे आप स्टडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मानक बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, जिससे कि अपनी स्टडी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट इतना जरूर है कि NCERT पढ़ना है, जिसमें कि हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERT पढ़नी है, बाकी सभी जो NCERT की बुक्स है वो न्यू वाली है, उसी से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरह से अपनी स्टडी जो है, आप पटना में रह रहे हैं, आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ जमुई से जुमित कुमार सिंह ने कुछ सवाल पूछे हैं। जुमित, क्या जानना चाहते हैं? लेकिन हमको सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किस तरह मैं पढ़ूँ, आप लोग से गुजारिश है कि हमको बताया जाए कि हम IAS की किस तरह सफल हों। कमल तनुज, जितना मैं सुन पाई कॉलर की बात को या समझ पाई, वो उनका फोकस ये था कि तैयारी कैसे की जाए। बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं आपके सामने, अथा संसार है, जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या जाने, कितना पढ़े, ये कैसे तय किया जाए। विभा जी, देखिए, 2 चीज़ें मैं सारे छात्रों को कहूँगा कि आप दिमाग में इसको बैठा लीजिए। पहली चीज़ तो आपको सिलेबस देख लेना होगा, क्योंकि अथाह सागर सिलेबस के बाहर भी है। PhD हमें नहीं करनी है और हमें उस सब्जेक्ट के उतने पोर्शन को हमें पढ़ के एक्सेल कर लेना है जितना हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। हमें IAS बनने के लिए जितना जानना है उतना हमें जानना जरूरी है, बाकी पूरे जीवन जानते रहने को हम लोगों के सामने। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पढ़ना क्या और वो सिलेबस के एनालिसिस से होगा।
दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपको टेस्ट में जो क्वेश्चंस आने हैं उसकी समझ रखनी होगी, उससे आपको दशा मिलेगी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको नंबर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको पिछले 10-15 साल के जब से पैटर्न्स चेंज हुए हैं नहीं हुए हर तरह का आपको ट्रेंड मालूम होना चाहिए, ताकि जब आप पढ़ते हुए जाएं एक सब्जेक्ट का एक आपने टॉपिक पढ़ा तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि यूपीएससी ये वाला प्रश्न पूछ सकता है, आने वाला प्रश्न ये हो सकता है। उस लेवल पे आपको एक्यूरेसी अपनी बनानी, देखिए स्मार्ट भी रहना है हार्ड वर्क भी करना है, सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है। तो स्मार्टनेस में यू हैव टू प्रेडिक्ट ऑल्सो, आपको आपको प्रेडिक्ट भी करना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और फिर बाकी जो बेसिक्स हैं आपको राइटिंग जो आंसर राइटिंग है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, होलिस्टिक अप्रोच लाना होगा। देखिए आंसर राइटिंग में एक चीज सभी छात्रों को कहना चाहूंगा कि अगर सिलेबस का मान लीजिए एक टॉपिक से क्वेश्चन आया है लेकिन उससे बाकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, 2-3 और टॉपिक जुड़े हैं, तो उसको टीचर को लगना चाहिए कि आपका दिमाग खुला हुआ है, आप सारी चीजों को लिंक कर रहे हैं, करंट इवेंट्स को लिंक कर रहे हैं और एक एक सूत्र में आपका आंसर बंधा हुआ है, ऊपर से प्रारंभ हो रहा है तो अंत तक एक कहानी की तरह आ रहा है और एक अच्छे निष्कर्ष पे आपका समाप्त हो रहा है। तो ये बेसिक्स आपको फॉलो करना होगा और सिर्फ सिर्फ हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करना होगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। कंसिस्टेंसी बहुत स्मार्ट वर्क, ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए और तब कंसिस्टेंसी जो है आपकी मेहनत को लेकर वो आपको सफलता की तरफ लेकर जाती है। हमारे साथ एक अभिभावक जुड़ गए हैं गया से, कौशल सिंह, आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से है, इसलिए कि मैं भी पेशे से शिक्षक हूँ और प्रधानाध्यापक के पद पर गया में पदस्थापित हूँ। हमारी बेटी आईटी ब्रांच से फाइनल ईयर में है और उसको मैं आईएएस करवाना चाहता हूँ, उसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट और क्या करना होगा थोड़ा सा सर से सलाह लेना चाहता हूँ। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। कौशल जी, मैं फिर से रिपीट करूंगा कमल तनु जी की ही बातें कि आप चाहते हैं, बच्चे आपके चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। कौशल जी, सबसे पहले तो आप अपने बच्चों से ही बात करेंगे, क्योंकि अभिभावक को देखा जाता है कि जो उनका ड्रीम रह जाता है वो अपने बच्चों में देखते हैं और उसे करवाना चाहते हैं। तो ज़रूरी है कि बच्चे जो आपके हैं वो भी, चूँकि अब फाइनल ईयर में है आईटी में, तो मैं कौशल जी यही कहूँगा कि अब इतनी भी छोटी नहीं रह गई हैं कि उनको बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है, अभी पूरी दुनिया के बारे में उनको अच्छी से जानकारी है। तो सबसे पहले उनको ये देखना पड़ेगा कि वो स्टडी के लिए पूरी तरह तैयार है या नहीं। अगर तैयार हैं तो पहले जो बुक्स, जो मानक बुक्स है एनसीईआरटी से लेकर जो टेक्स्ट बुक है वो देख लें, और जैसा विजय जी बता रहे थे सबसे पहले सिलेबस हमें देखना पड़ता है और सिलेबस के साथ हमको आना पड़ता है अपने ऑप्शनल पेपर पे या फिर मेंस का जो क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन, एक बार देखना चाहिए, उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शनल हमें लेना चाहिए या हमें जो है तैयारी का क्या हमारा ढंग होना चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक और सिलेबस दोनों को एक साथ लेना चाहिए और एक बार जो है अपनी आप बेटी से बात कर ले, अगर उसके लिए तैयारी करना चाहती हैं तो उनको जो है सही डायरेक्शन में, मेरे जैसे बहुत सारे आईएएस हैं जो गाइड कर सकते हैं। बच्चा बनना क्या चाहता है, क्या वो उस तरफ फोकस्ड है, क्योंकि मेहनत उसी को करनी है, उसी को अपना डेडिकेशन दिखाना है और उसके बाद उसे सफलता अर्जित करनी है, तो उसकी चाहत क्या है ये जानना अभिभावकों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ नवादा से अंजलि कुमारी ने अपने कुछ सवाल रखे हैं। अंजलि, क्या जानना चाहती हैं? 12th मैथ स्ट्रीम से पास की हूँ और मैं सलाहकार से यह पूछना चाहती हूँ कि मैं किस बुक से पढ़ूँ ताकि मैं यूपीएससी क्लियर कर सकूँ, घर पर रहकर सेल्फ स्टडी करके किस तरह से पढ़ूँ ताकि मैं अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। कमल तनुज जी, ये किस स्ट्रीम से इन्होंने 12th बताया? विभाजी, मैं मैथ से इन्होंने किया है, चाहती हैं कि सब किस बुक्स का चयन करें, कैसे पढ़ें जिसे सफलता भी मिले और बहुत ज्यादा उसके लिए उन्हें असमंजस वाली स्थिति में न रहना पड़े। चुनाव कौन से सब्जेक्ट का भी किया जाए और सब्जेक्ट के साथ वो कैसे किस बुक का चुनाव करें? हाँ देखिए, तीन चीजें, फिर दो चीजें उन्होंने मेन यानी पूछी, एक तो बुक के बारे में पूछा है और एक सेल्फ स्टडी ये के बारे में जानना चाह रही। तो देखिए, आपका मैथ्स का, अगर आपने मैथ्स में इंटरेस्ट लिया है अपनी पढ़ाई में, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए आप ग्रेजुएशन क्या करने जा रही हैं, मैथ्स में ही करने जा रही हैं कि इंजीनियरिंग करने जा रही हैं, और अगर उसमें सही में आपका इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल की 26 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, उसमें मैथ्स भी है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स के बाद अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं या सपोज आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो अब आप ग्रेजुएशन किस में करेंगे इससे एक हद तक निर्धारित हो सकता है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहेगा।
और उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि आपने जो ले लिया उसी को फॉलो करना है, मैंने कहा और भी सब्जेक्ट लेके लोग फॉलो करते हैं, तो बुक्स भी डिपेंड करेगा कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइनली कौन सा डिसाइड करते हैं। तो बुक्स की चिंता आप मत करिए, मैं आपको यही कहूंगा, आप बुक्स की बिल्कुल चिंता मत करिए। आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे, बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसकी स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में है, तो बुक के सिलेक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। आप सिर्फ अपना निर्णय आप तय कर लीजिए कि आपको किस दिशा में जाना है, और सिलेबस वगैरह देख के, और फिर आप आगे बढ़िए। और आप सेल्फ स्टडी की जहां तक बात है, मुझे भी इस पे चूंकि बोलने का मौका नहीं मिला, कई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ये बात पूछ रहे हैं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, तथ्यों की बात अगर करें, एक फिर मैं सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में जितने टॉयलेट हैं उससे ज्यादा मोबाइल फोन हैं, ये अभी एक सर्वे में निकल के आया है। तो मोबाइल फोन आपके पास भी होगा, और मोबाइल पे घर बैठे बैठे आप कई अच्छे गाइडेंस देने वालों का आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, इस चीज से आप निश्चिंत हो जाइए। आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में कौन स्पेशलाइज्ड है, निश्चित ही आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और उसकी फीस भी रीजनेबल है। यानी कि ये परिवेश का फर्क नहीं पड़ता है कवल तनुजी, परिवेश का फर्क नहीं पड़ता है, आप गांव में भी हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं, आप शहर में हैं वहां पर रहकर भी आप सफल हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितने इच्छुक हैं उस सफलता को पाने के लिए। जमुई से रोशन ने अपना सवाल पूछा है, रोशन क्या जानना चाह रहे हैं? इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करता हूं, और कृपया मेरे को बताएं कि कैसे मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा कोचिंग करूं कि मेरे लिए ये एग्जाम निकालना इजी हो और आगे मैं इजीली क्रैक कर सकूं ये एग्जाम। बिल्कुल विजय कुमार जी, आप इन्हें गाइड कीजिए। रोशन जी देखिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको चूज करना होगा कि आप कौन से मीडियम से जाना चाहते हैं, और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी कहीं लेते हैं तो भी आप ऑनलाइन का सहारा नहीं छोड़ सकते हैं, तब भी आप ऑनलाइन का सहारा लेंगे ही लेंगे और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे आप। तो अगर आपकी रिसोर्सेस, अगर आपकी थोड़ी बहुत ये सपोर्ट करता है तो आप ऑब्वियसली ऑफलाइन के लिए जा सकते हैं। ऑफलाइन इज ऑलवेज प्रेफरेबल उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अगर आप ऑफलाइन ले पाते हैं तो ले लीजिए, और साथ साथ ऑनलाइन का भी जो भी रिसोर्स जैसे कि न्यूज पेपर का एनालिसिस हो गया या कुछ टेस्ट सीरीज हो गया, ये सब आप ले सकते हैं ऑनलाइन भी, प्लस बहुत सारे वीडियो लेक्चर ऑनलाइन पड़ा रहता है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं आपको और बाकी सारे बच्चों को कि देखिए, चाहे ऑनलाइन आप जितना भी पढ़ लीजिए, कुछ टेक्स्ट बुक है, कुछ जो है रेफरेंस बुक्स है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और बेहतर होगा कि उसको ऑफलाइन तरीके से ही आप पढ़ें। और आप अगर वहां से निकल सकते हैं तो आकर आप पटना में, दिल्ली में, जहां कहीं भी अपने आप को साल भर डेढ़ साल एस्टैब्लिश करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सामंजस्य जरूरी है आपकी पढ़ाई में, ये दोनों उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए आपको दोनों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। शिव कुमार नवादा से कुछ जानना चाहते हैं, शिव कुमार का सवाल क्या है? मैं 12th पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से किया हूँ, और मैं आगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करना चाहता हूँ, तो मैं एक्सपर्ट से यही पूछना चाह रहा हूँ कि आगे मैं क्या करूँ, और मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ तो किस शहर की ओर जाऊँ, सेल्फ स्टडी करूँ तो कैसे करूँ, यह मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर रंजीत, मैं यही बोलूंगा शिव को कि देखिए, आपको आपने अपने ही क्वेश्चंस में आपने आंसर दे दिया कि मुझे जो है सेल्फ स्टडी करनी है, इंस्टीट्यूट्स देनी है, तो विजय जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए दोनों ही चीज़ें जरूरी होती है। अगर स्टार्टिंग आप करते हैं तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स, अच्छे ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी होता है, और सेल्फ स्टडी तो होना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट सेल्फ स्टडी आप कुछ नहीं कर सकते। कोचिंग क्लासेज आपको पुश करके आपको आईएएस नहीं बनवा सकता है, आपको अपने घर में कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है आप सक्सेस हो सकते हैं, एक डायरेक्शन हो सकता है, गाइड हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस तो करनी ही है, साथ में चूंकि अगर ऑनलाइन क्लासेज के बारे में भी बताए थे कमल जी, तो उसके ही माध्यम से भी ऑनलाइन भी क्लासेज, ऑनलाइन मटेरियल्स आप एक्सेस कर सकते हैं, और अगर शहरों में आ सकते हैं पटना या दिल्ली जैसे शहरों में, तो आप वहाँ पर आप ऑफलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी आपने तैयारी शुरू की है, आप 10+2 में हैं, तो आप सबसे पहले तो ग्रेजुएशन करते हुए एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का समय आप निकालिए डेली, जो है आप उसको जो भी पढ़ते हैं उससे छोटा छोटा नोट्स बनाइए, एक पॉकेट डायरी जरूर रखिए जिसमें कुछ भी याद नहीं होता है, तो पॉकेट डायरी में आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसको कि बार बार
रिवीजन कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जिसको कि अपनाकर अपनी छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को आप अपनी तैयारी में शामिल कीजिए, और हमारे एक्सपर्ट्स जिन्होंने सफलता हासिल की है उनकी तरफ से दी गई आपके लिए ये गाइडेंस बेहद कारगर आपको साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी एक्सपर्ट्स का महत्वपूर्ण वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वो स्टूडेंट्स जो अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये अनुशासन और डेडिकेशन दोनों ही सफलता की गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, ANM ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, जैसे ही ये बात फैली आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, ANM ने आओ देखा न ताओ पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। ANM की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण ANM पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा, लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला साह को ज्वाइन करने का आदेश दिया, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है, जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है, तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है।
बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के दो पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना